ये तो भैया वो कहते हैं मुझे एक हफ्ते से कोई जहर का महसूस नहीं हो रहा और बुखार हुआ है। ऐसा लगता है कि बुखार जिस्म के अंदर वैसे ही जिस्म डंप करते हैं, जिस्म के अंदर है। लेकिन बुखार ठहर गया है ना बॉडी में, तो जी जी वो बुखार ही है जो निकलना चाहा तो उसे निकलने नहीं दिया, फिर वो जब जिस्म में रह गया, क्योंकि ये एक गैर तबीयी चीज है, ये हमारे जिस्म की जरूरत नहीं है, गैर जरूरी चीज थी, निकलना था बट नहीं निकल सका, तो फिर अंदर कुछ ना कुछ दर्द करेगा। अभी भी वो बता रहा है कि मैं जिस्म के अंदर हूँ और मेरे लिए कोई इलाज कोई मुआवजा करवाया जाए, चाहे देसी चाहे एलोपैथी कोई भी हर्बल या कैसा भी। तो मैं इससे पहले नाजरीन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बुखार के जो इलाज है वो लाजमी करवाना चाहिए, इसको मामूली गेम नहीं समझना चाहिए। ये जो तेना बुखार, ये अगर ये ठीक नहीं हो सका तो फिर आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं बड़े बुरे तरीके से, जैसे इंसान तशद्दुद का शिकार हो जाता है, जैसे कि वो किसी बदमाश के हत्थे चढ़ जाता है, तो ये जो बुखार है ना ये जिस्म को बिल्कुल फिर ऐसे ही फटीक डाल देता है, ऐसे ही मारता है जैसे कोई दुश्मन किसी को पकड़ ले तो बस फिर अच्छा उसे चोट कर ये ले। देखिए, ये जिस्म के अंदर रुक कैसे जाता है, इसको निकालना कैसे है, ये तरीका तो बताइए। ये रुक कैसे जाता है, ये एक तो ये बात है कि ये हमारे जिस्म की एक जुकात है, और जो कुछ हम खाते हैं और उसमें कुछ हमें ऐसे जायके जो हमारे लिए मुफीद होते हैं, कुछ ऐसे उसमें एंजाइम्स जो हमारे लिए गैर नहीं मुफीद होते खाते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ किसी तरीके से जो भी हजम कर रहे हैं खा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज भी लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा जंक फूड है तो गला पकड़ा जाता है उससे, या मतलब गले की खराश और सोजिश आ जाती है, कुछ भी गलत हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठहरता ठहरता जिसम में, जब उसका एक लेवल ज्यादा होने लगता है तब वो जिसम से कहता है कि मैं हो गया हूँ, अब मेरा नाम बुखार है और अब मैं बाहर निकलने लगा हूँ। तो जब वो निकलने लगता है तो हमारे पास ना सस्ती सस्ती गोलियां मिलती हैं हमें, तो वो हम बाजार से 10 रुपए के पत्ता ले आते हैं, वो बस रखी होती है हर घर में अपनी जरूरत के लिए, वो गोलियां छोटा भी खाता है बड़ा भी खाता है, कोई भी टेबलेट होती है बुखार को दूर करने के लिए। तो फिर वो ये होता है कि वो गोली जो थी ना वो हमारे जिस्म को तबाह बर्बाद ऐसे करती कि हमारे बुखार को नाजरीन वो बाहर लेकर जाने की बजाय अंदर वापस ले जाती। और तजर्बा आप खुद करके देख लीजिए, मेरे कहने की बात नहीं है, करण रोल सॉरी मैम नाम नहीं लेना चाह रही। तो कुछ भी हम खाते हैं यहाँ तक कि मतलब मैं अपनी बात करती, चलो मैंने भी खा ली, मैं भी खा ली, खा सकती हूँ मैं भी, कभी कभी मुझे जरूरत है कि फर्क करके आराम आए तो खा लिया, तो मैं 2-3 घंटे के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होके बिल्कुल ठीक होके, तो मैं 3 दिन के बाद फिर बीमार हो सकती हूँ, इसलिए कि मेरा बुखार निकला नहीं, वो तो नीचे चला गया, हड्डियों से ऊपर उठा, बुखार निकला है बुखार से, हड्डियों से जब ऊपर गया है तो बस फिर समझो कि हमने उसे नीचे बिठाया, वो दोबारा कहाँ जाएगा, हड्डियों पर बैठेगा, हड्डियों में बैठेगा तो फिर हड्डियां कमजोर करेगा, यही तो हड्डियों की टीबी, और इसके साथ ही फेफड़ों का इंफेक्शन है, लंग्स इंफेक्शन हो जाता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बुखार का होना बार बार होना, जिसम का ठंडा गर्म होते रहना, वेरी सिवियर कंडीशन की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, इसके बहुत से पेशेंट्स हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि इस ये परेशानी पूछना में। चाहता हूँ कि जो बुखार रहता है ना, लोग फटाफट जो है मेडिसिन लेना शुरू कर देते हाँ हैं कि ये बस 2 घंटों में चला जाए, किसी का बस नहीं चलता बोले 2 मिनट में बता दे दो उनको, मिनट में तो ये बता इनकी लिमिट कितनी है कि कितनी देर उनको जो है रहना चाहिए, कितनी दिन के अंदर अंदर वो चला जाता है, ये बता दे। खुद वो जाएगा तब जब हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होगी तभी वो जा सकता है, तो लेकिन उसे अगर नहीं जा रहा किसी भी सूरत में वो आराम नहीं आ रहा, तो फिर ये बुखार को देखे बुखार की हालत पे नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कह सकते कि बुखार खुद चला जाएगा, इनशाला चला जाएगा, बट इस सूरत में अगर हमारा अपना सिस्टम ठीक है। देखिए उसके बाद ये है कि उसको निकालने की पूरी कोशिश करें, उसको दबाने की कोशिश ना करें, ये फार्मूला अपने अगर इस बात को समझ नहीं आ रहा कि बुखार को निकालना है, वो निकल रहा है तो उसे निकाल दो, तो दबा के लिए अच्छी बात है मरीज के लिए, अगर उसे हमने रोक लिया है तो फिर रुकेगा, फिर ठहरेगा, फिर वो कहेगा मैंने बाहर निकलना है, क्योंकि बुखार का जो लफ्ज है ये निकला है बुखार, और बुखारात हमेशा ऊपर की तरफ उठते हैं, तो जब वो नीचे गिरते हैं तो फिर वो बरस के ही गिरते हैं, फिर वो किसी ना किसी तरह बुखारात बन के ऊपर उठते हैं, तो फिर अगर जैसे ही मैं डेली बात कर रही हूँ, बारिश के एक मिसाल है, तो
तो इसी तरह बुखार जो है ना उसे वो अगर वापस हमारे जिस्म में ही जाके जिस्म को ठंडा करता है तो दोबारा निकलने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि उसने फिर दोबारा तैयारी करनी है। अच्छा ये बात यहाँ पर कर दूं कि अब लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि हमें पसीना भी ना आए तो ऐसे जो है विंटर स्किन टोन में बुखार चला जाए तो ऐसी मेडिसिन है जो मेडिसिन मैं तो नहीं हूँ बट आपके ये भी लाजमी है जब तक बंदे को पसीना ना आए तब तक बुखार नहीं होता। ऐसा भी है बट ये जो हम जितनी जल्दी हम बुखार को किसी सूरत में उतारने की कोशिश करते हैं तो वो उतना ही जल्दी खराबी भी पैदा कर सकते हैं। तो मैं जो ऐसा हर्बलिस्ट की मैं बात करूंगी तो फिर मैं किसी भी एलोपैथी या होम्योपैथी दवाई की बात नहीं करती। हाँ बहुत अच्छी होती हैं वो भी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जाए लेकिन जो देसी तरीका इलाज है वो मुझे दी बेस्ट लगता है और माशाल्लाह से उसके अच्छे अच्छे तजर्बे हमारे अपने मैं खुद मुजर्रब कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद अपने घर में बच्चों तक ये नहीं यूज करवा लेती। तो इसके लिए अब ये जो भाई साहब है इनके मुंह का जायका भी खराब है जिनका क्वेश्चन आया है इनको बुखार है इनको दर्द रहती है तो इनके लिए मैं बताऊंगी कहवा कि 3 से 4 का पानी ले लें जिसमें 2-3 छोटी सब्जी इलायचियां खोलकर दाने से पीट डालें इसमें अदरक डालें सौंफ डालें एक चुटकी अदरक डाल लें और 1 चुटकी सौंफ डाल लें और 1 इंच का टुकड़ा जो है ना वो अदरक का इसमें डाल लें और एक स्पेशल जो ग्लो होती है मतलब ग्लो एक ऐसी जड़ी बूटी है एक ऐसी लंबे बढ़ जाने वाली बेलदार एक पौधा है कि जिसकी टहनियां पत्ते जो है ना बुखार को बुखार का रोग खत्म करने के लिए बेस्ट माने जाते हैं और इसकी तकरीबन 3 इंच की जो है ना टहनी काट के उसमें उस पानी में डाल इसको बॉयल भी तो करना है ना इसको बॉयल करते रहे तो अगर 4-5 कप पानी है तो 2.5 कप तकरीबन रहना चाहिए या जितनी आप पी सकते हैं 1.5-2 कप आसानी से पिया जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके पिया जा सकता है और ये कोई बद जायका नहीं है बहुत अच्छी रेमेडी बनती है और ये याद रखना है कि ग्लो के बगैर बुखार भी नहीं होता। अगर आप खाली छोटी इलायची अदरक और सौंफ पे रहेंगे तो बुखार जो है ना पूरा कंट्रोल में नहीं आ सकता जब तक इसमें ग्लो ऐड नहीं करेंगे। सारा जो असम वाला किरदार है वो ग्लो का है बाकी चीजों ने ग्लो को ओवर इनहेंस करना है और कुछ हमारे जो है ना कहवे के जायके को अच्छा करना है तो ग्लो जो है ये बुखार को उतारने के लिए बहुत अच्छी बेल है। बस ये कहवा तैयार करें जब ये साहब पिएंगे भाई साहब तो छोटी इलायची भी है चूंकि तो उनके जो ना मैदे की ताफुन को खत्म करेगी इसमें अदरक है तो सोजिश कभी है वो खत्म हो जाएगी इसमें सौंफ है तो वो भी मैदे का जो गैसेस है उसको दूर करेगी और इसमें ग्लो है तो वो हर तरह से बुखार को दूर करेगी तो ये सारी चीजें मिलके बुखार का एक मजमुआ है तो ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 1 दिन में तो हल नहीं होना ये तकरीबन 3-4 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा हफ्ते में 3-4 बार तो आराम आ जाएगा। अगर फिर भी आराम ना आए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दिन में एक बार ये कहवा रात को सोते वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है और 10 से 15 दिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यकीनन इसके इस्तेमाल से बाद में कई अरसे तक बुखार जो ना करीब नहीं पटकता फिर होगा कोई और मसला होगा कि जब हमने अपना गलत फूड खाया होगा या कोई मौसमी तब्दीली का फिर कोई इशू हुआ तो बहुत देर लगेगी फिर होगा लेकिन ऐसा इतनी जल्दी तो भी नहीं होता फिर बहुत अच्छी रेमेडी है जड़ों से इनका बुखार निकलेगा। ऐसे ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।